नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के कुमायूं में बारिश जमकर कहर बरपा रही है। बारिश के चलते हुए हादसों में हरियाणा निवासी एक सैलानी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं चंपावत में मलबे की चपेट में आने से एक कार खाई में गिर गई, जिसमें सवार परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि दूसरे प्रदेशों के कांवड़ सेवा संघ हरिद्वार से टैंकर में गंगा जल भरकर ले जा सकेंगे। इसके लिए संघ को अपने जिले की पुलिस से अनुमति लेकर हरिद्वार आना होगा। बॉर्डर पर अनुमति पत्र की जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से सुबह 8 बजे से दिनभर आवाजाही ठप रही। नेशनल हाईवे पर मंगलवार को 5 जगह राजमार्ग बंद रहा। देर शाम तक धौन को छोड़कर सभी जगहों से मलबा हटा लिया गया था। मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान आज विराम लग सकता है। कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने और वनों पर अपने पुश्तैनी हक हकूकों व अधिकारियों की मांग अब दिल्ली में भी उठेगी। प्रदेश में जन संगठन व राजनीतिक दल इन मांगों को लेकर नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर उपवास पर बैठे हैं। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट धीरे धीरे अन्य शहरों से हवाई यात्राओं के लिए जुड़ता जा रहा है। प्रयागराज के बाद जयपुर के लिए हवाई यात्रा शुरू की गई है। बातें कम और काम ज्यादा के सूत्रवाक पर चल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, शासन स्तर पर फेरबदल के बाद अब हमारी बारी जिलों में जिलाधिकारियों और पुलिस के कप्तानों को बदलने पर है। देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों के चल रहे विरोध के बीच आज विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हो गया। विश्व हिंदू परिषद इस मामले में केंद्र सरकार से वार्ता करेगा। परिषद के नेता आलोक कुमार ने कहा कि हम अपने मंदिरों के लिए भी केंद्र सरकार से बात की है। उन्होंने पूछा कि अगर आप गुरुद्वारे और मस्जिदों का प्रबंधन नहीं करते, फिर हमारे मंदिर आपके कब्जे में क्यों हैं? देहरादून जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सभी आयु वर्गों के ट्रायल 26 जुलाई से आयोजित होंगे। छिद्दरवाला स्थित आयुष क्रिकेट अकेडमी में ट्रायल प्रक्रिया होगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं, जबकि 33 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं मंगलवार को एक भी संक्रमित की मृत्यु नहीं हुई है। देहरादून से वाराणसी तक जाने वाली जनता एक्सप्रेस का संचालन 25 से लेकर 28 जुलाई तक ठप रहेगा। यह रोक शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते लगाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने जसपुर थाने में तैनात एक दरोगा और पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। दरोगा और सिपाही पर घर से फरार नाबालिग किशोरी से बीते दिनों डरा धमकाकर हुए दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। दून विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बताया कि सभी कोर्सों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जो 20 अगस्त तक चलेंगे। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। धन्यवाद।